वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एक्सप्लोर दिल से। सो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी ट्रैवल सीरीज को इतना सारा प्यार दे रहे हो। एंड गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। एंड फाइनली गाइस, वो टाइम आ गया कि मैं एक सोलो ट्रिप पर निकल रहा हूँ। एंड इस बार जो लोकेशन है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में ज़रूर दिख रही चीज़ें। और इस बार मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ और मैं उसको बाइक नहीं बोलूँगा, वो मेरी बाइक का नाम मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बाइक का नाम है रानीसा। तो फटाफट से मैं आपको सिनेमैटिक रोल दिखाता हूँ कि मेरी बाइक कैसी है। और ये मेरी एक छोटी सी सोसाइटी है, देख लो, मैं आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फटाफट से मैं सिनेमैटिक रोल दिखाता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ सीधा ट्रिप पर और आपको मिलूंगा सीधा रात को 3 बजे के बाद। सो गाइस, टाइम हो चुका है कुछ 4:30, मुझे निकलना था एक्चुअली 3 बजे, बट थोड़ा बहुत लेट हो चुका था, मुझे एक्चुअली ऑफिस जाना था, कुछ काम वगैरह निपटाने थे लास्ट टाइम की तरह। तो अब फाइनली मेरी राइड अब स्टार्ट होती है और अभी मैं वो जस्ट पेट्रोल पंप पर अपने घर से थोड़ी सी दूर ही चला था और मैंने जान के इस बार पेट्रोल कम रखा था क्योंकि मैं फर्स्ट फिलिंग अपने यहीं से कराना चाहता था और ताकि मुझे अपनी एवरेज बाइक की एवरेज का भी पता चल जाए कितनी माइलेज दे रही है। तो अभी फटाफट से कराता हूँ फ्यूलिंग और आपको बाइक दिखाता हूँ कि मैंने बाइक पर कैसे अपना सामान रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी पाइनियर्स वगैरह नहीं है। तो जैसे ही आपको पता है कि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ और मैं धीरे धीरे करके अपना कुछ सैलरी से कुछ अमाउंट सेविंग करके उसके बाद मैं धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें परचेज कर रहा हूँ। तो ये है कुछ ऐसा सेटअप मैं अपनी बाइक पर, और इसको देख के तो मैं पता लग ही गया हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और जो भी करने वाला हूँ अकेले करने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं कराता हूँ अभी फ्यूलिंग, देन उसके बाद निकलता हूँ सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर और धीरे धीरे आपको पता चली जाएगा कि मैं कहाँ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आपको देख के मज़ा आएगा। तो फटाफट से कराता हूँ फ्यूलिंग, देन उसके बाद निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और फर्स्ट ओवर पर मिलूंगा आपको। सो गाइस देखो ये हो रही है अभी फ्यूलिंग, सर जीरो कर दो और स्टार्ट कर दो, ये हो गई है फ्यूलिंग। तो अब पता चल जाएगा कि यहाँ भाई कितनी माइलेज दे रही है। फर्स्ट फिलिंग अपनी गुरुग्राम से हो रही है, देन सेकंड फिलिंग देखते हैं कि कहाँ पर होती है। अंकल हंस रहे हैं, अंकल कह रहे मुझे भी फेमस कर दो। सो गाइस, चलते चलते सुबह हो चुकी है और मैंने जस्ट अभी घर से टोटल मैं अप्रोक्स 150 किलोमीटर चला हूँ और अभी जो मैंने फर्स्ट टोल दिया है वो है कोई शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी का। तो चाय ऑर्डर करी है थकान दूर करने के लिए और यहाँ पर मुझे एक को राइडर भी मिला है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अकेले चल रहे हो और जिस जगह पर तुम जा रहे हो वहाँ पर मैं भी चल रहा हूँ, तो क्यों ना साथ चले। तो सही है, मेरे लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए, क्योंकि तो अभी मेरे पास एक्शन कैमरा वगैरह का भी कुछ नहीं है, तो मैं अभी मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। अभी देखो सामने का नज़ारा कुछ ऐसे है, सुबह हो चुकी है और कितनी प्यारी रोड है यार ये देखो। चलो चाय एंजॉय करते हैं। ये अपने को राइडर जिनका नाम है राजीव एंड ये भी दिल्ली से ही हैं। सो ये मुझे मिले हैं यहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि यार क्यों ना साथ चले जब एक ही लोकेशन पर जा रहे हैं। तो और ये खड़ी है मेरी बाइक। टैंक हो चुका है खाली और अभी कुल बाइक चली है 31,842 किलोमीटर और जहाँ तक मुझे पता है मैंने घर से अपने स्टार्ट करा था कुछ फुल करना है भैया। तो जहाँ तक मुझे पता था कि मैंने अपने घर से स्टार्ट करा था कुछ जिसमें 595 था और अब है 842, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 250 किलोमीटर चल चुका हूँ अपने घर से और सेकेंड फ्यूलिंग की बारी आ चुकी है। तो भैया फुल कर देना,
देखते हैं यहाँ पर फुल कितने का होता है, देन आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। गाइस तुम्हारे भाई ने फाइनली पहाड़ों में एंट्री ले लिए यार, और आप पीछे का नज़ारा देखोगे ना यार, देख रहे हो कितना प्यारा है यार, और धूप बिल्कुल सर पर चढ़ चुकी है। और मैं अप्रोक्स घर से कुछ 280 किलोमीटर चल चुका हूँ इस टाइम, और अभी भी डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हुई है। जिस जगह पर मुझे जाना है वो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली कुछ 5-7 किलोमीटर है, और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। बट आज जो फर्स्ट स्टे होगा मेरा वो 50-60 किलोमीटर दूरी पर है, और वहीं पहुँच कर मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस लोकेशन पर आया हूँ। और यार तुम नज़ारा देखो यार, कितना प्यारा है यार, अभी तो स्टार्ट हुए हैं पहाड़ और आगे चल के तो और ही मज़ा आने वाला है यार। इस टाइम जो टेम्परेचर है ना यहाँ पर वो कुछ 17-18 है इस टाइम पर, और रात के टाइम पे 7-8 के बीच में रह रहा है। अगर यही मैं एक महीने पहले आता तो यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, तो तब तक थोड़ा गेस करो कि मैं किस लोकेशन पर हूँ। और अभी फटाफट से चलता हूँ थोड़ी और आगे, और ब्रेकफास्ट भी करना है, सुबह की बस चाय पी है। और मेरा जो को राइडर है राजीव भाई, एक बार आओगे? सो गाइस ये है राजीव। सो भाई कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं। तो भाई को भी मज़े आ रहे हैं यार। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको रोड्स के नज़ारे नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं है अभी भी। तो गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है जदवान मैगी पॉइंट पे, जो फेमस है स्पेशली मैगी के लिए, और ठीक उसी के सामने नज़ारा दिखाओ ना, इतना प्यारा नज़ारा है ना यार। गाइस देखो ये है ठीक सामने, इतना सारा प्यारा नज़ारा। और ये जो आप लोहे के पाइप देख रहे हो ना, ऐसा गाइस ये कुछ ऐसे ही डिस्प्ले के लिए लगा रखे, ये है कुछ फन एक्टिविटीज़। और जो ये वाली एक्टिविटी है एग्जैक्ट मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट हाँ ये जो रोप जा रही है, अगर मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं तो यार गाइस इसको ज़िपलाइन बोलते हैं। और मैंने कर दिया अभी मैगी ऑर्डर, तो जो जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। ये मेरा फर्स्ट शॉट है, टाइम हो चुका है 11, और अभी डेस्टिनेशन पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे को जाना है यहाँ से 20 किलोमीटर और दूर। और अगर मैं बात करूँ अपने घर से तो मैं एग्जैक्ट 340 किलोमीटर अपने घर से दूर आ चुका हूँ। और मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ का कुछ डाउट है कि यार मैंने जितने अभी भी टू व्हीलर्स देखे हैं कि लोकल कुछ चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, विदाउट हेलमेट यार बाइक और ये सब चला रहे हैं, स्कूटी वगैरह। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि यार गाइस यहाँ पर ये रूल लोग या तो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे, या तो अगर फॉलो कर भी रहे हैं तो यार गाइस प्लीज़ अगर तुम पहाड़ों पे चल रहे हो या कहीं भी चल रहे हो ना यार, तो यार सेफ्टी गियर्स मस्त है, तुम पहन के चलो, कुछ नहीं पता होता, तुम्हारी गलती ना हो या किसी साफ पीछे वाले की गलती हो, कुछ पता नहीं चलता कि यार कब कुछ कैसा हादसा हो जाए। तो गाइस सेफ्टी का खुद से ध्यान रखो, और हेलमेट वगैरह एंड राइडिंग गियर्स प्रॉपर पहन के चलो। अभी मैं चलता हूँ अंदर, और मुझे तो बस मैगी का इंतज़ार है यार, मैगी खाता हूँ, एक प्यारा सा शॉट आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा आपको मिलूंगा मैं अपने होटल पर। बहुत गर्म है यार अभी तो। एक नंबर साथ मैंने मंगाई है कुछ कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी नींद भगा दें अपनी। तो गाइस देख लो अंकल तैयार हो चुके हैं जिप लाइनिंग के लिए, और ये फर्स्ट एक्टिविटी है जो यहाँ पर होती है। देखो ये देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है यार, करने को यार मेरा भी मन है, बट अभी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, और अभी मुझे हम लोगों ने काफ़ी ऊपर भी जाना है, तो कोई नहीं, पर नीचे आने के बाद ट्राई करेंगे कि यार अगर ओपन होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा ज़िप लाइनिंग, मैंने आज तक कभी करी नहीं है।
तो बेस की क्या कॉस्टिंग है? लो यार, 300 रुपये में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा और प्लस जिप लाइनिंग एक्टिविटी करने को मिलेगी यार। तो ये कहीं नहीं, सीधा जदवान मैगी पॉइंट पर अवेलेबल है ये एक्टिविटी। और शायद से घर से आएंगे साइकिल पे। ये देखो ये एक्टिविटी, ये भैया बता रहे कि एक और ये जो रोप जा रही है ये साइकिल वाली एक्टिविटी है। ये देखो अभी अंकल इस लोकेशन से यहाँ पर जिप लाइन करते गए और वहाँ से सामने से देखना, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये अंकल अब साइकिल करते साइकिलिंग करते हुए इस वापस अपनी लोकेशन पर आ जाएंगे। देखना अभी दिखाता हूँ मैं आपको। फुल मजे लेते हुए आ रहे हैं प्यार प्यार से 300 रुपये में पैसा वसूल, क्या बात है यार। तो पेट पूजा भी अब पूरी हो चुकी है और अब ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, पूरा चट कर चुका हूँ मैं ये, और साथ में ले ली थी मैंने कोल्ड कॉफी। तो अब फटाफट से निकलता हूँ मैं आगे और आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूँ और सीधा मिलूँगा आपको अपनी डेस्टिनेशन पर, जो अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम किस लोकेशन पर रुकेंगे। अभी हमने होटल फिक्स नहीं करा राजीव भाई ने, मेरा तो अपना पक्का कि मैं अपना वहाँ पर कैंपिंग करूँगा, मुझे फटाफट से वहाँ पर लोकेशन देखनी होगी। तो चलो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको सीधा लोकेशन पर। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है मसूरी मॉल रोड में। तो फाइनली तुम्हें पता चल गया, मैंने लोकेशन डिस्क्लोज कर ही दी है फाइनली। एंड गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि क्या हो गई है। राजीव भाई ने तो ले लिया अपना होटल और मैंने यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे कन्फर्म करा था तो उन्होंने कैंपिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर ने किसी पर हमला करा है और यहाँ पर कैंपिंग के लिए रुकावट लगा दिया है। तो मुझे भी अभी होटल में चेक इन करना पड़ेगा और अभी मैं निकलूँगा कोई बद्रास टेम्पल, बट उससे पहले मैं यहाँ पर किसी लोकल से दोबारा एक बार कंफर्म करूँगा कि यहाँ पर मुझे कैंपिंग लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सामान जो मैं लेके आया हूँ वेस्टेज ना हो और कुछ यूनिक मेरे ब्लॉग में दिखे। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मुझे कैंपिंग लगाने की जगह मिल जाए। तो फटाफट से अभी करते हैं चेक इन एंड उसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप कि आप सबको मेरा ये जो ट्रैवल सीरीज मैंने अभी स्टार्ट करी है पसंद आई होगी। एंड पसंद आई तो आपको पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। तो फटाफट से चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, देन मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।